क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? और तुम कब से डरने लग गई? तुम अंदर आओ। ऐसे क्या देखो? तुम्हें कितनी बार कहा है ना बिना बताए मत आया करो। अब आ गया हूँ, वापस चला जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है ना आतिफ का, कभी भी आते ही होंगे। अरे यार, उससे मेरी सुबह ही बात हुई थी, कल कराची आएगा। क्या बात है, बड़े समझदार हो गए। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी खूबसूरत बीवी को घर पे अकेला छोड़ के चले जाते। बेवकूफ तो वो भी होते हैं जो अपनी महबूबाओं को उनके शौहरों के पास छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, तो मेरी महबूबा मुझे बेवकूफ समझती है? बिल्कुल। तो फिर आओ थोड़ी बेवकूफी कर लेते। सीमा तनवीर, तुम्हें मेरी बीवी के साथ इस कमरे में क्या कर रहे हो? सीमा जल्दी आ जाओ भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बस एक मिनट आई। सॉरी सॉरी, बस एक मिनट। आप भी ना जान करके टाई बांधना नहीं सीख रहे। मैंने टाई बांधनी सीख ली तो जल्दी से नरम हो जाओगे। बस बस, सुबह सुबह ना ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। बाबा ठीक है ना? तुम्हें ना आजकल दो घड़ी ठीक से बात नहीं करती। ये कौन आ गया? तुम्हें सुबह सुबह कौन आ गया? आप नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। आपके दोस्त हैं तनवीर, आप अंदर आइए। अबे साले, तू तो डायरेक्ट ऑफिस आने वाला था यार। अरे मैंने सोचा इकट्ठे ही चलते। हाँ चल बैठ। हाँ नाश्ता कर, बैठ। सीमा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, सबसे नालायक दोस्त, छड़ी बड़ी, मेरे फैमिली मेंबर की तरह। ओ, फिर तो आपके सारे राज इनको मालूम होंगे। अरे ऐसे वैसे बताऊं क्या? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, ठीक है? यार वैसे एक बात है, तुझ जैसे आलू को इतनी खूबसूरत बीवी मिल कैसे रही? बेटा नसीब का चक्कर है, नसीब का। अच्छा सुन, दादा मेरी बीवी को नजर ना लगा। हाँ, मैं जिस काम से आया उस पर तवज्जो दे। हाँ ये भी ठीक है। रोटी दो। अरे रोटी छोड़ यार, तू डाइटिंग पर थोड़ी है, पराठा खा, मोटा करेगा। कुछ नहीं होता एक दफा की वजह से यार। अरे कहाँ अम्मी, घर के कामों से फुर्सत मिले तो चक्कर लगाऊ ना। और अब्बू ठीक है? हाँ लगाती हूँ चक्कर। हाँ आतिफ भी ठीक है। अच्छा अम्मी, दरवाजे पे कोई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी भाभी, वो मैं गलती से अपनी फाइल भूल गया था। हाँ मैंने एक फाइल कहीं देखी तो थी, डाइनिंग पे पड़ी है। हाँ याद आया, आप अंदर आए ना। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
ये ले आपकी फाइल, यही वाली है ना? जी यही वाली, शुक्रिया। सीमा, सीमा। जी आ रही हूँ। यार प्लीज ये जरा निकाल दो, बहुत भूख लग रही है। मगर आते मैं तो खाना घर में बनाया हुआ है। अरे भाई ये इन साहब का कारनामा है, मैंने तो इन्हें मना किया लेकिन ये माने नहीं। अच्छा तो मैं काम करूँ, जल्दी से निकाल दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा मैं निकाल दूँ। प्लीज आओ यार बैठो। कैसे चल रहा है? तनवीर के आने से काम बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन मसला ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टर के मसाइल चल रहे हैं। मार्केट डाउन चल रही है। मार्केट कब डाउन नहीं होती भाभी? ये जो मेरा दोस्त है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों में कमजोर है। इसको मैंने दो आइडियाज के प्रपोजल दिए, मैंने रिजेक्ट कर दिए। अब आप बताएं कि मार्केट कमजोर है कि भाई साहब? देखो यार असल में मेरे काम की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। मैं कम सरमाए के साथ ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहता हूँ, और तुम ज़्यादा सरमाए के साथ ज़्यादा प्रॉफिट। यार असल मसला ये है कि मैं रिस्क नहीं लेता। मैं यही तो कि तू रिस्क नहीं लेता। रिस्क लेना पड़ता है अगर कुछ अचीव करना है, तो रिस्क लेना पड़ता है। भाई को देख, फुल सीन ऑन है। प्रॉफिट में खेलता है मेरा। फुल टाइम लॉस भी तो हो सकता है मेरे दोस्त। अबे यही तो, जब पॉसिबिलिटीज हैं तो डर डर के क्यों काम करो, खुल के आओ ना मैदान में। बेटा तू अपने मैदान में खेल और मुझे मेरी गली में खेलने दे। मैं तो खेल अपने बैक फुट पे, मैं तो फ्रंट फुट ही खेलूंगा, क्योंकि सारा गेम मैं समझ गया। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मगर एहतियात से, कहीं फुल टॉस ना पड़ जाए। अबे तूने कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? अरे तुम कुछ खाओ ना, ये कहाँ हम लोगों की फजूल गुफ्तगू सुनने बैठ गए। हाँ तुम भी कुछ निकालो यार, और ये पेटिस भी लो। तुम भी तो कुछ खाओ। यार एक मिनट, मैं जरा वॉशरूम से होकर। हमें तो अभी तक डरता है। हाँ डरता हूँ, डर का उम्र से क्या ताल्लुक यार। हाँ आपको डर नहीं लगता? अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? कमाल है, मुझे और आतिफ को तो बचपन से ही हॉरर फिल्मों से डर लगता है। आप एक काम करो, उसको बंद ही कर दो।
कौन? भाभी मैं हूँ तनवीर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ नहीं नहीं, आप बोलें, सब खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है। वो कल आतिफ का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि हम दोनों कुछ प्लान करके उसको सरप्राइज पार्टी देते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि कल आतिफ का बर्थडे है। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, वरना तो मेरी शामत आ जाती। हाँ बस ऐसा कर लेते, कल ऑफिस के बाद आप आ जाएं, हम लोग सरप्राइज बर्थडे प्लान कर लेते हैं। ठीक है भाभी, आप प्लान के मुताबिक रेडी रहिएगा। बेफिक्र हो जाए, मैं बिल्कुल रेडी रहूंगी। बाय। कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे वो आतिफ को एंड मोमेंट पे कोई काम आ गया था, आता ही होगा, मेरे साथ ही था। चलो हम लोग उसको सरप्राइज करते हैं, आज छुप जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सच्चा प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे हटो यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा, पीछे हटो यहाँ से। हट जाएंगे, पार्टी खत्म होने के बाद हट जाएंगे। देखो सीमा, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्यों रो रही हो? बताओ, किसने कुछ कहा है? क्या क्या हुआ है बताओ। तनवीर। तनवीर क्या? तनवीर ने मेरे साथ क्या कह रही हो तुम? तनवीर ऐसा कैसे कर सकता है? तुम होश में तो हो? पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं आतिफ, खुदा के वास्ते इस बात में आके कोई गलत कदम मत उठाइएगा, प्लीज। तुम हौसला करो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसको उसके किए की सजा जरूर मिले। अब जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुम वैसा करो, उसे फोन करो और स्पीकर ऑन करो। हेलो। हाँ भाभी, दोबारा याद आ रही है क्या मेरी? हाँ बस सोचा तुमसे बात करी जाए। मैं आ जाऊँ क्या? वो ना आतिफ शहर से बाहर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना तुम मुझसे मिलने आ जाओ। बस तो फिर ठीक है, आपने हुक्म किया और हम आते हैं। तनवीर, तुम? तुमने मेरी बीवी के साथ इस कमरे में क्या कर रहे हो? मेरी बात सुन, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार। सीमा आप, अरे तुम कुछ बोलो ना। हाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही। यार मेरी सॉरी यार, तुमने मेरी मासूम बहुत दामन बीवी के साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों की? यार सॉरी यार, मैं बह गया था, तुझे पता है मैं ऐसा नहीं हूँ यार। तू कैसा है? यार अच्छी तरह जान गया हूँ, अच्छी तरह जान गया हूँ, ये जान गया हूँ अच्छी तरह। अब जेल जाने के लिए तैयार हूँ। सुन मेरी बात, अगर ये बात बाहर गई ना बदनामी तेरे घर की होगी, बात याद रखना बेटा। ये बदनामी वाली धमकी पुरानी हो गई, मैंने तेरी एक ही घर पर रिपोर्ट पुलिस को दी, यहां तक कि तेरी मां और बहन को भी, ताकि वो जान सके कि तू कितना घटिया इंसान है। जेल जाने के लिए तैयार है?